जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर में टारगेट किलिंग्स पर अपना रद्द अमल जाहिर किया। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि मैं परेशान हूं, टारगेट किलिंग का ये रुझान इंतहाई परेशान कुन है। उमर कहते हैं कि हम इन हमलों की मजम्मत करते हैं, लेकिन हुकूमत से एक ही गुजारिश है कि वो ये क्यों दावा कर रहे हैं कि हालात मामूल पर है। उमर ने कहा कि हम सब जानते हैं कि वादी में हालात ठीक नहीं है, हुकूमत अवाम को गुमराह कर रही है। काश ये टारगेटेड अटैक्स रुक जाते हैं, लेकिन इन टारगेटेड अटैक्स का एक तो हमें बेहद अफसोस है, मजम्मत भी करते हैं, साथ साथ हुकूमत से गुजारिश है कि कम से कम सच बोलें। बार बार हम उनसे बयान सुनते हैं कि हालात अब नॉर्मल हो गए हैं, हालात में बहुत बेहतरी आई है, बिल्कुल सुधार आया है, और जब कभी हुकूमत के तरफ से बयान आते हैं तो हमें ये टारगेटेड अटैक्स देखने को मिलते हैं। कभी पुलिस को निशाना बनाया जाता है, कभी सिविलियंस को। हालात नॉर्मल हैं नहीं, ये हम सब जानते हैं। हुकूमत लोगों को इन हालात के बारे में गुमराह करने की कोशिश क्यों कर रही है, इसका जवाब सिर्फ हमारे हुकूमरान दे सकते हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जमान सुहेल बुखारी ने अपोजिशन लीडरों पर मुबैना निगरानी को परेशान कुन करार दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है और पेगासस का हवाला दिया। बुखारी ने कहा कि हुकूमत जो कर रही है वो जमहूरियत में नाकाबिल कबूल है। टारगेट किलिंग्स पर उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ वो बुजदली की कार्रवाई है। बुखारी ने कहा कि पिछले DGP ने दावा किया था कि वादी में सब कुछ ठीक है, लेकिन ये वाकयात कुछ और ही बताते हैं। देखिए, हमने भी ये रिपोर्ट्स देखी हैं। इनफैक्ट काफ़ी सारे, खास करके जो अपोजिशन के लीडर्स हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे इन चीज़ों को शेयर किया है कि आईफोन या जो की जो पैरेंट कंपनी है एप्पल, उनकी तरफ से उनको इन्फॉर्म किया गया है कि देयर फोन्स हैव बीन अटैक्ड। ये बहुत ही डिस्टर्बिंग है, बट साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हुआ। इससे पहले वो पेगासस का जो सॉफ्टवेयर का मामला था वो भी सामने आया था। तो सर्वेलेंस खुसूसन उन लोगों पे कि जो सरकार से बाहर हैं या सरकार के मुखालिफ हैं पॉलिटिकली, उन पे ये होता रहा है। अब इतना बड़ा मामला है, इसका जो जितने सारे लीडर्स ने ये क्लेम किया है कि उनको इंटीमेशन मिला है, ये बहुत ही डिस्टर्बिंग है। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो डेवलपमेंट है, आप इमेजिन कीजिए कि कोई और सरकार होती और ये हो गया होता तो अब तक तो उस सरकार को गिरा दिया गया होता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि चेक्स एंड बैलेंसेस रखते हैं, वो कहीं ना कहीं इनइफेक्टिव हैं, वो अपना शायद काम पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए एक इम्प्यूनिटी मिली हुई है इस सरकार को, वरना ये जो कुछ है ये डिस्टर्बिंग तो है ही, साथ ही किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में अनएक्सेप्टेबल है और बहुत डेंजरस है। तो आपको बता दें कि इससे पहले डिप्टी SP अमन ठाकुर के कत्ल मामले को लेकर के कुलगाम पुलिस ने कार्रवाई की और मरहूम सनाउल्ला मीर की प्रॉपर्टी सील कर दी गई है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ SP वैद साहब जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका वैद साहब, ये जो कार्रवाई हुई है खासतौर से DPSP अमन ठाकुर के कत्ल मामले को लेकर के कुलगाम पुलिस ने जिस जगह पर ये एनकाउंटर हुआ था उस प्रॉपर्टी को आज सील कर दिया गया है, क्या कहेंगे इस पर आप? मैं समझता हूँ ये सही कदम है, और ये जो टेररिज्म को पनाह देते हैं और इनकी मदद करते हैं उनको कि इन केसेस में उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और ये जो प्रॉपर्टी सीज की अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट में, ये बिल्कुल सही कदम है और ऐसा ही होना चाहिए। यही डेटरेंट रहेगा उन लोगों के लिए जो टेररिज्म की सपोर्ट करते हैं। तो जिस तरह से ये कार्रवाई हुई है, आपको लगता है कि जो दीगर केसेस है क्या उनमें भी इस तरह से कोई कार्रवाई होनी चाहिए, या फिर एक थॉरो जांच के बाद? कि क्योंकि सर कई केसेस में ऐसा कहा जाता है कि जब सामने से कोई घर में घुस रहा हो तो जो वहाँ रहने वाले हैं वो किस तरह से रोके या उस पर क्या ही जोर चल सकता है, क्या आप समझते हैं कि इस तरह से कार्रवाई बाकी केसेस में भी होनी चाहिए? ये आर्गुमेंट बिल्कुल सही है, मैं उसको बिल्कुल उसमें सहानुभूति रखता हूँ, लेकिन
इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर ये साबित हो कि ये आदमी वो पहली बार इसके घर में नहीं घुसे थे, तो अगर गन पॉइंट पे किसी के घर घुसे ठीक है, फिर दोष उसको मानना चाहिए क्योंकि वो मजबूर है गन के सामने। लेकिन अगर वो पहले भी पनाह देता था, पहले भी मदद करता था, खाने पीने का सामान देता था और अपर ग्राउंड लेवल पे वर्कर के तौर पर उसकी मदद करता, तो ऐसे लोगों को नहीं बख्शना चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी सीज होनी चाहिए। ये जो कार्रवाई खास तौर से ऐसे मौके पर हुई वैद साहब, जब हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में से किस तरह से हमले हो रहे हैं, ऐसे मौके पर अब सिक्योरिटी और भी अलर्ट है, साथ ही साथ लेकिन हम देख रहे हैं कि सियासी गलियारों में इस हवाले से बहुत बयानबाजी भी शुरू अब हो चुकी है, उस पर क्या कहेंगे आप? जी, सियासत में मैं क्या बोलूं, मेरा ये सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि सिक्योरिटी इश्यूज पे उनको इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। वो कोई भी पार्टी हो, चाहे लोकल पॉलिटिकल पार्टीज हो या नेशनल कांग्रेस या बीजेपी हो, उसमें यही देखना चाहिए, अपनी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर भरोसा होना चाहिए कि और कि वो सही करेंगे, और वो गलत करते हैं तो वो पॉइंट आउट करें, लेकिन इस पर पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने गलत किया तो पॉइंट आउट करें। जी बिल्कुल, डॉक्टर एसपी वैद साहब बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सूबाई सरबरा सरदार मनजीत का कहना है कि हुकूमत कहती है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी है, लेकिन आज भी कश्मीर में हालात मामूल पर नहीं है, लोगों में खौफ हिरास पाया जाता है। पाकिस्तान की जानिब से सरहद पर फायरिंग के बाद सरहदी इलाकों में खौफ का माहौल है और किसानों को अपनी फसल की कटाई में मुश्किलात का सामना है। मनजीत सिंह ने इंतखाबात के हवाले से बात करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत को चाहिए कि वो इंतखाबात से पहले जम्मू कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात, असेंबली, म्यूनसिपल और पंचायती इंतखाबात कराए। मनजीत सिंह ने सांबा में पार्टी के कारकुनों की मीटिंग में शमूलियत इख्तियार की। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से सांबा में एक बैठक का आयोजन किया गया और खास तौर पर अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के हालात को लेके और साथ ही साथ आने वाले इलेक्शन को लेके इसके ऊपर चर्चा की गई। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रांतीय प्रधान सरदार मनजीत सिंह जी। किन किन मुद्दों को लेकर आज बातचीत की, जिस तरह की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर भी चर्चा की गई और कल ही अगर हम बात करें, पिछले 3 दिनों की बात करें तो लगातार टारगेटिंग के लिए किलिंग जो है वो देखने को मिली, कैसे देखिए ये जो मीटिंग आज थी, इस मीटिंग में एक तो जो बॉर्डर पे पिछले दिनों पाकिस्तान ने फायरिंग की है उससे लोगों में एक दहशत का माहौल है, क्योंकि किसान की फसल इस वक्त तैयार है और इस फायरिंग की वजह से लेबर और जो मशीनें आती थी कंबाइन जो बासमती को काटने के लिए वो भी नहीं आ रही, तो किसानों में एक बड़ा ये डर है। दूसरा, ये जो टारगेटिंग किलिंग हो रही है ये बहुत अफसोसजनक है कि मिलिटेंट जो हैं आज भी, सरकार कहती है हमने टोटली मिलिटेंसी ख़त्म कर दी है, लेकिन दूसरी तरफ ये वारदातें अब 3 इंसिडेंट पिछले 3 दिनों में हो गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। इनोसेंट लोगों की जान जो है ये बचाना सरकार का काम है, तो पुलिस के जो लोग हैं और पैरामिलिट्री फोर्स के लोग हैं, आर्मी के लोग हैं, इनको इसकी तरफ जो है सीरियसली ध्यान देना चाहिए ताकि कोई भी इनोसेंट जान जो है वो मिलिटेंट उनको टारगेट ना कर सके। जिस तरह सरकार की तरफ से कहा जाता है कि 370 हटने के बाद जो हालात हैं वो संभालने वाले, लेकिन फिर भी टारगेटिंग किलिंग जो है वो कश्मीर में जारी है। बिल्कुल, मैं समझता हूँ वो झूठ बोल रहे हैं, कोई संभालने नहीं है। हाँ, ये ठीक है कि नॉर्मल लाइफ पहले से बेहतर हुई है, लेकिन जब ये टारगेटिंग किलिंग होती है तो लोगों में भय का माहौल हो जाता है। मैं आज पेपर में पढ़ रहा था सरपंचों ने सुरक्षा मांगी है, नहीं तो वो कह रहे हैं हम छोड़ देंगे, तो चूँकि टारगेट किया जा रहा है, पुलिस वालों को टारगेट किया जा रहा है, सिविलियन को टारगेट किया जा रहा है, तो इस पे ये सरकार की सुरक्षा एजेंसियों पे क्वेश्चन मार्क लगता है कि वो क्या कुछ रहे हैं, ज़मीन पे कुछ और है। इलेक्शन को लेके क्या करेंगे, जिस तरह अभी पार्लियामेंट इलेक्शन होने जा रहे हैं? देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर की कि जम्मू कश्मीर में तो बड़ी खबर इस वक्त की, डिप्टी एसपी अमन ठाकुर कत्ल मामले में कुलगाम पुलिस कार्रवाई कर रहे हैं, इस हवाले से लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। हमारे साथ ही जहूर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जहूर, इस वक्त क्या कुछ कार्रवाई चल रही है? हाँ बिल्कुल मनजा, मैं आपको बताऊं कि कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, आप ये देख रहे हैं बाजाबता तौर पर प्रॉपर्टी को जो है वो अटैच किया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं, और नोट्स इस हवाले से चस्पा की जा रही है। यकीनी तौर पे हम आपको ये दिखाएंगे कि इस नोटिस में जो है
क्या लिखा है और क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है। और बिल्कुल ये आप देख रहे हैं और इसमें बाज़ाब्ता तौर पे जो है एक नोटिस इजरा की गई है, चस्पा की गई है, इन कंटिन्यूएशन इन कंप्लायंस टू डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ऑर्डर नंबर दिस 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 और डेट में इसमें डाला गया है और इसमें बाज़ाब्ता तौर पे लिखा गया है द सेड प्रॉपर्टी हैज़ बीन अटैच्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन टर्म्स ऑफ यूएलएपी एक्ट ओविंग टू दिस नोटिफिकेशन नोटिस एवरी बॉडी हूसोएवर इज हियर बाय रेस्ट्रेंड फ्रॉम एंटरिंग द प्रेमिसेस ऑफ सेड प्रॉपर्टी और बाहकमी डिस्ट्रिक्ट पुलिस कुलगाम। और बाज़ाब्ता तौर पर इसमें ऑर्डर पहले से ही इजरा किया गया है और मैं आपको बताऊं कि ये कार्रवाई जो है बाज़ाब्ता तौर पर अमल में लाई गई है, चस्पा की गई है नोटिस और ये आप देख सकते हैं ये प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है। और कुल मिलाकर हम आपको बताएं कि ये कार्रवाई जो है ये बाज़ाब्ता तौर पर अंजाम दी गई है और मैं बताऊं आपको कि आज बाद दोपहर ही ये कार्रवाई यहाँ पे अंजाम दी गई मुनज़्ज़ा और बाज़ाब्ता तौर पर जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस कुलगाम ने इस प्रॉपर्टी को जो है अटैच किया है और इसमें बाज़ाब्ता तौर पे जो हुक्मनामा है वो डिविजनल कमिश्नर कश्मीर जो है उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे एक नोटिस इजरा की उसके फौरन बाद जो है ये जो है किया गया है। और हम आपको बताएं कि बाज़ाब्ता तौर पे जो है ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ये और बिल्कुल इसको लॉक जो है वो लॉक किया गया है ये आप देख सकते हैं बाज़ाब्ता तौर पे ये आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी अटैच की गई है उसके साथ साथ जो है एक नोटिस भी जो है वो चस्पा की गई है ये हुक्मनामा है बाज़ाब्ता तौर पे और उसके साथ साथ जो है इस प्रॉपर्टी को जो है अटैच किया गया है। और कुल मिलाकर ये कार्रवाई जो है ये अमल में लाई गई है। और यहाँ अगर हम बात करें देवी बुक तुरीगाम कुलगाम की बाज़ाब्ता तौर पे डिस्ट्रिक्ट पुलिस कुलगाम और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हैं एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में है जो है ये कार्रवाई अमल में लाई गई है मुनज़्ज़ा। बिल्कुल ज़हूर, तो प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है और नोटिस भी जो है चस्पा किया गया है। इस खबर पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है, ज़हूर मौके पर वहाँ पर मौजूद है जो हमें बराह रास्त तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। फिलहाल के लिए ज़हूर आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। जिला पुलवामा के गांगू इलाके में बीती शब आग की वारदात में एक वर्कशॉप को नुकसान पहुंचा है। आग की वारदात में 300 गाड़ियां तबाह हो गई हैं। रात को वर्कशॉप में अचानक आग नमूदार हुई, इसकी लपेट में जेरे मरम्मत सुमो गाड़ियां आ गई और इस वाकये में एक सुमो गाड़ी पूरी तरह खाकसर हो गई जबकि दो गाड़ियों को आग से नुकसान पहुंचा। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी है। شاٹ گو تو یہ تل کن یہ پٹرول ڈیزل آسم دپان اتن یت ثائے ژور کن اچھ ہوتم ات تل سور یور سیٹ ویٹ تو اس ہوتم پریت کن یہ جمکہ تو ہوتم پہ گاڑی واڑی یت رنگ سور نو کر اس کول کت تر یل یپر سیٹ ویٹ نئی تو اس ہوتم جمکہ پتہ چھ ہمسا ومسا یتن بوزمت کرنمت فائر سروس والن فون تو اتم تو تقریباً تر ٹور گاڑی تقریباً نقصان۔ बांडीपुरा में डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन की जानिब से मुनक्किद किए गए आर्ट एंड फोटो नुमाइश के दौरान बांडीपुरा के अजस इलाके में ताल्लुक रखने वाले 22 साला तमसील तबस्सुम नामी एक उभरती आर्टिस्ट तवज्जा का मरकज बनी रही। इस उभरती आर्टिस्ट ने ब्रश और रंगों से आर्ट के दिलकश नमूने तैयार किए हैं। तमसील को अगरचे आर्ट की दुनिया में एक ऊंची परवाज भरने की ख्वाहिश है, ताहम एक मुनासिब प्लेटफॉर्म मुहैया न होने की वजह से तमसील काफी फिक्रमंद है। तमसील ने फाइन आर्ट्स के शोबे में बैचलर्स डिग्री हासिल की है। तहम तमसील का कहना है कि कश्मीर में फाइन आर्ट्स के शोबे में पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी करने की सहूलत नहीं रखी गई है, ऐसे में उनकी तरह सैकड़ों आर्टिस्ट ना आगे बढ़ पाते हैं और ना ही अपने तालीम जारी रख सकते हैं। तमसील ने एलजी इंतजामिया से मुतालबा किया कि फाइन आर्ट्स के शोबे में भी तलबा के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी की सहूलत फराहम की जाए। हमारे कश्मीर में अभी तक इतनी पीजी नहीं है, जैसे मुझे पीजी करना है, अब मेरा बैचलर्स कंप्लीट हो गया है, मुझे बाहर जाना पड़ता है, मैं कोलकाता जाऊंगी, दिल्ली जाऊंगी कहीं भी। लेकिन मेरे जैसे काफी सारे बच्चे होंगे जिन्होंने बैचलर्स किया कंप्लीट, लेकिन अब वो क्या करेंगे आगे, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बाहर जाना, तो उनके लिए यहाँ पर फैसिलिटीज होनी चाहिए। और किसी को पता ही नहीं है, मतलब बच्चे कम्पिटिशन होते हैं, एग्जीबिशन होते हैं, इतने सारे होते हैं, हाल ही में कितने सारे हुए, लेकिन वो बच्चे खुद से कर रहे हैं, उनको सिखाएगा कौन, बेसिक नॉलेज आर्ट की कौन देगा उनको। पेंटिंग तो बनाते हैं वो, उनको पता ही नहीं है आर्ट क्या है, पेंटिंग है क्या,
वो सिखाएगा कौन, आर्ट टीचर सिखाएगा, लेकिन जब फील्ड ही नहीं है, कोई किसी स्कूल में कोई पोस्ट ही नहीं है, बच्चों को कैसे पता चलेगा कि ये भी कोई फील्ड है, इसमें भी आर्ट भी कुछ। कृषि विज्ञान केंद्र करगिल में ICAR NBAIR के जेर एहतमाम कबायली जिली मंसूबे के तहत ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट ऑन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ कॉप पेस्ट कॉस्ट शालीमार के जरिए तकसीम करदा इनपुट के बाद तरबियत पर एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। तरबियती प्रोग्राम में फलों की काश्त में ज्यादा रकबा रखने वाले तरक्की पसंद काश्तकार मौजूद थे। डॉक्टर मोहम्मद मेहदी हेड KV के करगिल ने काश्तकारों को फलों की फसल में मरबूत कीड़ों के इंतजाम की अहमियत के बारे में बताया। बायो कंट्रोल पर AICRP के डॉक्टर रिजवाना खुर्शीद और शरीक PL डॉक्टर मुदस्सर ने किसानों से खिताब किया। अरनिया में ब्लॉक इलाकी पंचायत की जानिब से गांव गांव सफाई मुहिम के तहत जमा किया गया कचरा। महकमे की जानिब से अरनिया के धमाला स्टेडियम के पास फेंक दिया गया और इसकी वजह से लोगों ने बरहमी का इजहार किया। लोगों का कहना था कि जिस जगह पर यह कचरा पड़ा हुआ है वहां से आने और जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना है। मौके पर पहुंचे BDO गुरजीत सिंह ने भी लोगों को यकीन दिलाया कि अगर लोग यहां कचरा नहीं फेंकना चाहते तो फेंके गए कचरे को जल्द ठिकाने लगाया जाएगा। उन्होंने पंचायत के सरपंचों और लोगों से भी अपील की कि सफाई मुहिम के तहत हर घर से जो कचरा उठाया जा रहा है वो उन्हें अपनी पंचायत में सरकारी जमीन भी फराहम करें ताकि यहां का कचरा फेंका जा सके। मुश्किल इतों चुकाया हाँ अगे जब त्रेवा जबोवाल चंगी आ काकू के कोठे जिन्हें सरपंच सब लिखिए दिता तो फिर अह इतने तहसीला गए हे तो इतों सारा कुछ इंता चुकाया हा तो कोई मेरे ख्याल 4-6 महीने होया हूँ इन्हें पट्टी इतनी मन पंगा बनाई दिता साड़िया दुकाना कोल डंगर ना अस रहा सू मुश्क इतने न्याणे ने स्टेडियम है इतने बच्चे बढ़ने सवेरा दौड़ ला आते हैं तो इतने कोई पुलिस प्रतीत गया कोई नहीं ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰੀ ਉਹਨੇ ਚਾੜੇ ਨੀਏ ਵਾਲਾ ਬਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਮੁਲਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਆਵਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਕੁੱਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਭਾਈ ਕੁੱਤੇ ਕੀ ਨਿਆਣੇ ਕੀ ਨਗਾਇਆ ਤੂੰ ਅਤੇ DC ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਕੁਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਦੇ ਜਿਹੜੀ 2 ਗਣਾ 4 ਗਣਾ ਇਹਨੇ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਕਲਾਸੀ ਕਰਾਓ ਸਾਰੀ ਹਮੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਆਟੋ ਸਰਵਿਸ ਜੋ ਹੈ ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮੇਂ ਲਗਾਨੀ ਥੀ तो हमने पहले कठार आला से शुरू किया अब त्रेवा और जबोवाल का भी हम करा तो ऐसा है कि हमें डंपिंग साइट की प्रॉब्लम आ रही थी यहाँ पे क्योंकि डंपिंग हर कोई इतराज़ करता है नहीं करने देता। हमने सेग्रीगेशन शेड बनाए थे वहाँ भी हम प्लास्टिक और कबाड़ जो होता है वही इकट्ठा करते हैं जो घर का वेस्ट होता है वो उसके लिए दिक्कत आ रही थी तो पहले तो तवी के किनारे डालते थे अब वहाँ भी कल्टीवेशन हो चुकी है वहाँ भी लोगों ने मना किया। मैंने काफ़ी देर पहले तहसीलदार साहब से बात करी थी तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने हमें 10 कनाल जमा ब्लॉक के लिए डंपिंग साइट दी थी तो वो हमने मतलब वहाँ जब लोगों ने बंद किया तो हमने वो साइट जो है डेवलप की थी कि एक थोड़ा सा ग्राउंड करके ट्रेंच करके हम जो है वो वहाँ डंपिंग साइट बनाएंगे लेकिन वो हमने सिर्फ मंडे और ट्यूसडे 2 दिन ही फेंका तो आज मुझे भी फ़ोन आ गया कि वो जगह है इतराज है जहाँ हमने पहले भी बंद कराया था आप इसको मत फेंको तो मैं भी मौके पे ही गया था वहाँ पे तो मैंने देखा वाकई वो रोड साइड पे है तो जगह मतलब सही नहीं है जहाँ कि हम वहाँ अपना जो डोर टू डोर वेस्ट आ रहा है वो हम डालें तो मैंने नायब तहसीलदार साहब को भी साथ ही लिया था हम इकट्ठे ही गए थे तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है क्योंकि हमें 10 पंचायतें हैं तो मैं ये कह रहा हूँ कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट को हमें अलग अलग लोकेशंस पे थोड़ी थोड़ी जगह दें जहाँ कोई हैबिटेशन ना हो और स्टेट रेंट हो हम तरीके से हम वहाँ जो है गारबेज वगैरह डंपिंग करें बाकायदा हम ट्रेंच निकालना चाहते हैं और प्रॉपर वे में हम डिस्पोजल चाहते हैं